भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पांचवें और ऐतिहासिक टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन इंग्लैंड की टीम ने 378 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार बल्लेबाजी की है। आपको बता दें कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि इंग्लैंड के लिए एलेक्स लीस और जैक क्रॉली ने मिलकर 107 रनों की बेहतरीन साझेदारी की, लेकिन चाय के बाद इंग्लैंड ने लगातार विकेट गंवाई, जिसके बाद टीम थोड़े समय के लिए दबाव में नजर आई। लेकिन उसके बाद जो रूट और जॉनी बेयरस्टो की धमाकेदार साझेदारी के बदौलत इंग्लैंड की टीम ने खेल में वापसी की। आपको बता दें कि जो रूट ने एक बार फिर से 50 रनों की पारी खेलते हुए इंग्लैंड के ऊपर से दबाव हटाया। जो रूट ने आज जल्दी बल्लेबाजी करते हुए अपना 50 पूरा किया और भारतीय गेंदबाजों में जमकर मार भी लगाई। चाय से पहले तक का जो खेल हुआ था वो खेल इंग्लैंड के नाम रहा, वहीं चाय के बाद भी इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से इस मैच में हावी नजर आई। बता दें कि दूसरी पारी में जब जो रूट 50 रन बना चुके थे तो उसके बाद भारतीय टीम के पास मौका था जो रूट को आउट करने का, लेकिन शार्दुल ठाकुर की गेंद पर ऋषभ पंत से जो रूट का कैच छटक गया, जिसके बाद जो रूट को जीवनदान मिला और उसके बाद भी जो रूट ने अपनी आक्रामक पारी जारी रखी। देखना दिलचस्प रहेगा कि इस मुकाबले का अंत किस तरह से होता है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।